कि हम सियासत के अलावा बेटों बेटियों वाले बच्चे हैं, औलाद हमारी है। रिलेट करके देखो, जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, HM साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह, तो भैया वो कमी तो हम थोड़ा सा नहीं, वो कमी तो हम कैसे पूरी करें। कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे, लफ्ज कौन सा अल्फाज यूज करें जिससे इनका बच्चा वापस आ जाए। इसलिए बोल तो मैं सकता नहीं ज्यादा, बाकी थोड़ी आर्थिक मदद के लिए भी इनको हमने विनती की है, अगर वो कबूल कर लें तो। सर कितनी आर्थिक मदद आप लोग करना चाहते हैं? कर दिया है, वो कर दिया है, वो गिनती में देनी है, अच्छा नहीं लगता, इसकी नुमाइश नहीं करनी। यहाँ दिल में जाके के देखो, अपने दिल में, मेरे दिल में, सबके दिल में, जिसकी बेटियां हैं उसकी हालत क्या होगी। हम जो पूरा समाज है, जो पूरा परिवार है, जो जान जानी थी वो जा चुकी है, लेकिन अब एक ही भावना है कि जो आरोपी है, जो मुजरिम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी क्या, फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। आप वीडियो देखी होगी आपने, हालत बहुत बुरी हालत है। देखो वो बहुत अग्गे दुखी है, भीड़ कम करो, उनको आराम से, भैया इधर ही है हम, प्लीज़।